सैलाब से मजीद 57 अफराद जान बहक, 7683 जख्मी। NDMA के मुताबिक अब तक 1265 अमवात, 12577 अफराद जख्मी हुए। बलोचिस्तान में 257, सिंध 470, पंजाब 188 और खैबर पख्तूनख्वा में 285 अफराद जान बहक हुए। दरियाए सिंध में कोटरी के मुकाम पर सैलाब, 5 लाख क्यूसिक से जायद का सैलाबी रेला गुजर रहा है। कोटरी दरियाए सिंध पर बने बैराजों में आखिरी है। पानी के अखराज की सलाहियत 8,75,000 क्यूसिक रखी गई थी। सवात में सैलाब की तबाही के बाद रास्ते बहाल ना हो सके, लोगों को मुश्किलात का सामना। बहरीन से कलाम की तरफ जाने वाली सड़क का कुछ हिस्सा पानी में बह गया। लोग खाने पीने का सामान दुश्वार गुजार रास्तों से लाने पर मजबूर। बोलान में सैलाब से मुतासरा कौमी शाहरा और पिंजरा पुल बहाल ना हो सका। सिंध और बलोचिस्तान का जमीनी रास्ता 9 रोज से मुनकता। शाहरा की बंदी से माल ब्रादर गाड़ियाँ 8 रोज से खड़ी हैं। सब्जियां और खाने पीने की दीगर अशिया खराब होने लगी। सैलाब मुतासरीन के शनाख्ती कार्ड की एक्सपायरी डेट में 6 माह तक तोसी। रायत का इतलाक सैलाब से मुतासर इलाकों में होगा। चेयरमैन नादरा के मुताबिक 1 मई से जायदुल मयाद और 30 नवंबर तक एक्सपायर होने वाले तमाम शनाख्ती कार्ड 31 दिसंबर तक काबिले इस्तेमाल रहेंगे। एशिया कप T20 टूर्नामेंट में सुपर 4 मरहला आज से शुरू। भारत, अफगानिस्तान, श्रीलंका और पाकिस्तान की टीमों की अगले राउंड तक रसाई। टूर्नामेंट में एक और बड़ा मुकाबला तय। पाकिस्तान का भारत के साथ दूसरा टाकरा कल होगा। आज श्रीलंका और अफगानिस्तान के दरमियान पड़ाव पड़ेगा। और कोरोना की छठी लहर के वार जारी। मौजी वायरस से मजीद 2 मरीज जां बहक, 110 की हालत तश्वीशनाक। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 17,260 टेस्ट किए गए, 251 नए मरीज सामने आए।